गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 12 बायोलॉजी क्लास इन विच वी स्टडी अबाउट अवर चैप्टर 6 दैट इज अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टुडे आवर टॉपिक इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड अनुवांशिक कोड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक कोड। ये जो कोड है ये हमारा जो हमारे बेस पेयर होते हैं डीएनए में ए टी यू जी सी उनसे मिलकर बना होता है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो एक जेनेटिक कोड है वो जनरली आपका तीन बेसिस का बना होता है यू यू ए या यू जी सी या ए जी सी। इस तरह से ये जो तीन बेसिस हैं आपके जो डीएनए में पाए जाते हैं उनसे मिलकर आपका एक वन जेनेटिक कोड जो है वो फॉर्म होता है जो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ये कोड करते हैं फॉर द अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स जो डिफर हो सकते हैं जस्ट लाइक यू 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 ये आपका फिनाइल एलेनिन के लिए करता है और जो दूसरे होते हैं वो आपके अदर अमीनो एसिड्स के लिए करते हैं। नॉर्मली हमारे 64 अमीनो एसिड्स के बारे में हम डिस्कवर कर चुके हैं जो हम देखते हैं चेकर बोर्ड्स के थ्रू। आपने बुक में भी आपकी टेबल बनी हुई है इस तरह की, उसमें आपके जो चेकर बोर्ड है उसके थ्रू आपको यहाँ पे यू ए जी सी इसके थ्रू आपको इस तरह से यहाँ पे भी मिलेगा यू ए जी सी। वही जैसा हमने पहले बनाया था मेंडल्स के लॉ में कि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी इसी तरह से लिखेंगे यू ए जी सी। अब उसकी एक एक बात कर देंगे मल्टीप्लाई यू 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 ए ए इस तरह से हम यहाँ पे चेकरबोर्ड बना देते हैं और ये क्या शो कर रहा है कि ये किसके अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे 64 चेकर बोर्ड होते हैं यानी कि 61 कोडों जो होते हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं। 61 कोडों हमारे एक्टिव होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। 3 कोडों हमारे किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये जो 3 होते हैं ये हमारे कहलाते हैं दे आर नोन एज द स्टॉप कोडों जिसमें आपके आते हैं यू ए ए यू ए जी एंड यू जी ए। ये 3 आपके स्टॉप कोडोन्स होते हैं। इसमें आपका ए यू जी वो हमारा स्टार्ट कोडोन कहलाता है जो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसको स्टार्ट करने के लिए ये हमारा स्टार्ट कोडोन कहलाता है और ये डबल फंक्शन करता है। ये मिथियोनिन ये कोडोन मिथियोनिन अमीनो एसिड को भी कोड करता है स्टार्ट कोडोन भी कहलाता है। स्टार्ट कोडोन की जो केमिकल सिंथेसिस है वो हमें दी थी हार्गोविन खुराना ने और इसके बारे में जो हमें ज़्यादातर बताया वो हमारे थे मार्शल साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया था। इस तरह से हमारा जो स्टॉप कोड जेनेटिक कोडोन है उसके थ्रू हम ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो अमीनो एसिड्स हैं वो बता सकते हैं कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पर हम इस चेकर बोर्ड से इसकी सहायता से आराम से बता सकते हैं कि जो आपके बैक्टीरियाज वगैरह हैं और या ह्यूमन हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 64 या ये कहें कि 61 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं टोटल। अब तो और ज़्यादा साइंटिस्ट ने उसके बारे में डिस्कवर कर लिया है और बता दिया है कि मोर देन 64 हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो दिस इज फॉर द जेनेटिक कोड जो आपके एग्जाम लेवल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि 3 हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं, एक हमारा स्टार्ट कोडोन होता है, एक कोडोन में 3 बेसिस होते हैं, टोटल हमारे 64 कोडोन्स होते हैं जिनमें से 64 में से 61 ही अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। एक कोडोन जो है वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए भी कोड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फिनाइल एलेनिन को सिर्फ यू 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 ही कर सकता है, हो सकता है फिनाइल एलेनिन के लिए आपका सी जी सी भी हो जाए तो इट मे बी पॉसिबल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।